तो अगर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि दोस्तों कैसे पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये मेरा पासपोर्ट है। मैंने इसे कुछ दिन पहले इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के जरिए अप्लाई किया था। मैंने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं किसी एजेंट के पास नहीं गया था और ना ही दोस्तों किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट किया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए मात्र 1500 रुपए गवर्नमेंट का पासपोर्ट फीस है। ये आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के जरिए भी या दोस्तों लैपटॉप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एजेंट पासपोर्ट अप्लाई करने के नाम पे दोस्तों हजारों रुपए वसूल कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप भी अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था जिसे मैं एजेंट के पास जा सकूं, एजेंट की भारी भरकम मांग को पूरा कर सकूं। ऐसे में दोस्तों मैंने काफी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद दोस्तों मैंने पाया कि पासपोर्ट अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फोन के जरिए ही, कुछ डिटेल्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, आपको डिटेल प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। सब कुछ इसी वीडियो में आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया हूं। दोस्तों मात्र 15 दिन के अंदर दोस्तों ये पासपोर्ट बिना किसी रुकावट के आपके दिए हुए पते पे दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट अप्लाई करने के पहले दोस्तों आपको सबसे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के साथ साथ दोस्तों आपको उसमें डेट एंड टाइम फिक्स होता है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट का दोस्तों आपको 1500 रुपया फी चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए दोस्तों उसमें पासपोर्ट का प्रिंटिंग चार्जेस, पासपोर्ट का जो भी दोस्तों वेरिफिकेशन चार्ज होता है, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। 1500 के अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। आपको दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन का भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सब कुछ दोस्तों फ्री है। मात्र 1500 रुपए के अंदर ही सब कुछ आपका डिटेल जो है दोस्तों पासपोर्ट अप्लाई करके आपके घर पे आ जाएगा। वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कैसे दोस्तों आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही आसान है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको पासपोर्ट ऑफिस में, जो भी आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, आपको वहां पे जाना है। आपको ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके जाना है, सब कुछ डिटेल के साथ में इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आने के बाद यहां पे हमें पासपोर्ट सेवा टाइप करना है। पासपोर्ट सेवा पे दोस्तों जैसे ही टाइप करेंगे सबसे पहला वाला ऑप्शन पासपोर्ट सेवा है, ये दोस्तों हमें यहां पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमें पासपोर्ट सेवा की डैशबोर्ड पे लेकर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पासपोर्ट सेवा, ये तत्काल एडवाइजरी से रिलेटेड कुछ दोस्तों एडवाइजरी से हमें क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमें दोस्तों कोई भी फ्रेश पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमें बिना यूज़र आईडी क्रिएट करे दोस्तों हमें आपको प्रोसेस करने को नहीं मिलेगा। तो हमें जो है यूज़र आईडी इसलिए क्रिएट करना पड़ता है ताकि हमारा जो भी डिटेल हम अप्लाई करें उसमें डेटा सेव हो सके। तो दोस्तों हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहां पे दोस्तों आपको नियरेस्ट आपका जो पोस्ट ऑफ पासपोर्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस, आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं दोस्तों, वहां आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना पहला नाम और मिडिल नेम दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों आप अपना सरनेम डाल सकते हैं, जो भी आपका सरनेम है दोस्तों वो आप सरनेम यहाँ पे डालें। और दोस्तों आप जो भी डेटा याद रहे भरें वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आप बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों एज पर पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप उसके हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए। तो दोस्तों मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी जो है, वैलिड ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे दोस्तों मुझे एक बाद में एक लिंक आएगा जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए लगेगा ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए। तो दोस्तों मैंने जो मेरे पास जो ईमेल आईडी था मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट योर ईमेल आईडी सेम फॉर एज अ लॉगिन। तो दोस्तों यस, मुझे यहाँ पे सेम ईमेल आईडी मुझे लॉगिन आईडी के रूप में बनाना है। तो मैं यहाँ पे चेक जो है यस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे आप चेक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो अवेलेबल है या नहीं फॉर लॉगिन के लिए। तो दोस्तों अभी हम पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड दोस्तों हमें जो है एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और हमें दोस्तों एक रोमन अंक टाइप करना है और उसमें से एक स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर का मतलब स्टार हैज दोस्तों, इस टाइप का हमें यहां पे एक जो है टाइप करना है।
उसके बाद दोस्तों सेम पासवर्ड आपको नीचे भी टाइप करना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा दोस्तों ऊपर आपने जो टाइप किया है सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। दोस्तों सेम पासवर्ड नीचे डालने के बाद दोस्तों आपको सेम पासवर्ड रिपीट करना है। अगर आपका पासवर्ड जरा सा भी गलत होगा दोस्तों तो वो आपका पासवर्ड काम नहीं करेगा, आपको वापस अगेन अगेन फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आपका जो भी हिंट क्वेश्चन होगा दोस्तों आप अपना हिंट क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आपका हिंट क्वेश्चन, मैंने अपना एक हिंट क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है, आप भी अपना हिंट क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्ट कर ले। दोस्तों डेटा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसके लिए मैंने ब्लर करके रखा है। तो आपका जो भी आपका डेटा रहेगा दोस्तों आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे अब हम बात करते हैं कैप्चा कोड की। तो दोस्तों आपका जो भी वैलिड कैप्चा कोड होगा आपको यहां पे फिल करना होगा। तो आप दोस्तों कैप्चा कोड करने के बाद रजिस्टर पे हमें क्लिक करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन करके एक मुझे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको देखेंगे दोस्तों अब लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो दोस्तों आपको इसमें बताया गया है कि आपके मोबाइल पे आप एक लिंक गया होगा जो जिसकी वैलिडिटी दोस्तों 20 तारीख तक है। तो दोस्तों इसमें मेरे को बता रहा है जब इस वक्त जब मैं अप्लाई किया तो आपको अलग अलग डेट आएगा आपके हिसाब से। तो हमें सबसे पहले अभी दोस्तों हमारी ईमेल आईडी पे जाना है, हमारे ईमेल पे ईमेल बॉक्स पे जाना है, वहां पे हमें एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से पासपोर्ट एडमिन की तरफ से हमें एक रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल आया होगा। वहाँ पे दोस्तों उस पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पे हमें क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें एक लिंक आया होगा, लिंक पे हमें क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम दो है दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे एक मेल आया हुआ है, मेल पे हमें एक लिंक आया है, ये है अकाउंट कन्फर्मेशन करने के लिए। जैसे हम इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमें ये वापस से हमें रीडायरेक्ट करके पासपोर्ट सेवा केंद्र पे लेके जाएगा और हमें हमारा जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो कन्फर्म हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये मुझे रीडायरेक्ट करके यहाँ पे ले आया। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो ईमेल आईडी अभी हमने जो ईमेल आईडी बताया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे दोस्तों, तो वो हमें सेम ईमेल आईडी यहाँ पे दोस्तों टाइप करना है। वो ईमेल आईडी टाइप करने के बाद मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया था दोस्तों सेम पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, जो भी आपने पासवर्ड दोस्तों बनाया था वो पासवर्ड डालने के बाद इंटर कैप्चा कोड। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन पे आपके कैप्चा कोड दिखता होगा दोस्तों आप उस जो है कैप्चा कोड को यहाँ पे आप इंटर करें। कैप्चा कोड दोस्तों संभाल कर डालें क्योंकि कैप्चा कोड जब तक करेक्ट नहीं डालेंगे आगे प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो ईमेल आईडी से मैंने बनाया था, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ईमेल आईडी का झलक दिखाता हूँ दोस्तों। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से मैंने बनाया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन होम में। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो है सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें दोस्तों ऊपर से दूसरा नंबर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू ऑफ पासपोर्ट ये वाले ऑप्शन को हमें दोस्तों क्लिक करना है। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हमें ये अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इशू वाले पासपोर्ट लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम अप्लाई फॉर पासपोर्ट पे हमें फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके का स्क्रीन सामने दिखाई देगा। अप्लाई फॉर प्रे पासपोर्ट रीइश्यू पासपोर्ट कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक हियर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फॉर्म ओपन होके मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो जिस भी ज़िले से आते हैं आपको अपना जिला और दो है दोस्तों अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं जिस स्टेट से आता हूं दोस्तों मैंने अपना स्टेट यहां पे मैं अभी अपना सेलेक्ट करता हूं। ये इसलिए है दोस्तों कि आपको वहां का नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस आपको मिल सके, आप भी जो भी डेटा भरेंगे दोस्तों वो वहां के नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस के पास डेटा जाएगा ताकि आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मेरा स्टेट था मैंने वो सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट था वो मैंने ले लिया। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई फॉर दो ऑप्शन पूछेगा, अप्लाई फॉर रीइश्यू एंड फ्रेश। तो हमें दोस्तों फ्रेश पासपोर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम फ्रेश पासपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप रीइश्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप रीइश्यू के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन पूछ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल एंड तत्काल, तो मैं अभी यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल ले रहा हूँ, हमें जो है तत्काल पे नहीं क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें पेज 36 लेना है, आप यहाँ पे 60 पेज का भी ले सकते हैं। 60 पेज का दोस्तों अलग चार्ज होगा, 36 पेज का दोस्तों 1500 रुपया चार्ज है।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने देखो एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पे दोस्तों हमें अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे आपको डालना है। ये फॉर्म दोस्तों हमें बड़े ध्यान से फिल करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगर बात करूँ दोस्तों, एक भी स्पेलिंग आपके नंबर का गलत हो जाएगा तो दोस्तों सेम वो पासवर्ड पे आपको प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, एक एक चीज़ आपको डिटेल ध्यान से और सावधानी से, बेहद सावधानी से भरना है। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा डिटेल भर लिया है क्योंकि मैं अपना डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं करा सकता क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही जो है क्रेडेंशियल देता होता है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर नॉन ईसीआर, मैं आपको बात करूँ दोस्तों, नॉन ईसीआर ये होता है दोस्तों, दोस्तों जो 10 पास नहीं है, जो कक्षा 10 पास नहीं है उनके लिए जो है दोस्तों नॉन ईसीआर एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए नॉन ईसीआर जो है नो पे क्लिक करके प्रोसेस करना पड़ता है। और जो 10 पास है दोस्तों उनके लिए नॉन ईसीआर एप्लीकेबल यस होता है क्योंकि आप 10 पास हो चुके हैं, आप एजुकेटेड हो, तो दोस्तों नॉन ईसीआर उसके लिए होता है। तो वहाँ पे दोस्तों कुछ फैमिली डिटेल्स आपको फिल करने थे, आपको फैमिली डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे दोस्तों बेसिक डिटेल है, ये तो आप दोस्तों भर ही सकते हैं आपका जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल होगा। और दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो भी डिटेल होगा, पासपोर्ट पैन, वो आपको बेसिक डिटेल वो तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अदर डिटेल पे दोस्तों आपको यहाँ पे एक एक चीज़ जो है दोस्तों पढ़कर आपको फिल करना है। मुझे जो अप्लीकेबल था दोस्तों मैंने ये कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों एक सैंपल पासपोर्ट बन के आएगा और आपको आपका नाम, नंबर, ये सारे डिटेल आपको चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें अपना जो भी है पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है, और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए आप चाहे तो अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या तो दोस्तों आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पूरा दिया हुआ है, वो आप जो है सेलेक्ट करके, जो भी आपके पास हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों जो है अप्लीकेबल से आप जो है चाहे आप डिजी लॉकर के थ्रू दोस्तों वैलिडेट कर सकते हैं, या दोस्तों आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप चाहे तो पासपोर्ट ऑफिस में ले जाके फिजिकली आप वहाँ पे साइन करके देंगे तो भी वो दोस्तों अप्लीकेबल होगा, आपको अगर अपलोड नहीं कर पाओगे तो भी कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में आपको ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना प्लेस फिल कर देना है, जो भी आप प्लेस से, जिस भी प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे दोस्तों आपको प्लेस फिल करने के बाद दोस्तों सेव माई डिटेल या प्रीव्यू, या दोस्तों 3-4 ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरा डिटेल सेव करना है। तो मैंने सबमिट फॉर जो है दोस्तों सबमिट कर दिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर दिस एंड दिस, ये SMS आया होगा दोस्तों, ये सारा डिटेल हमें मिलेगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन हमें किस जगह पे कहाँ पे जाना है, अभी हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हमें हमारा जो है डेट एंड टाइम अपॉइंटमेंट का वो हमें मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट आपकी बात करूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने जो भी चूज किया है दोस्तों, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपके पास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको स्कैन कॉपी दोस्तों यहाँ पे भरना पड़ेगा, स्कैन कॉपी मोबाइल से, या दोस्तों आपके पास PDF कॉपी हो, या आपके पास दोस्तों जो है JPG फाइल हो, यहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ पे, या तो डिजी लॉगर के थ्रू आप दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मेरा डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों अपलोड कर दिया है, आप अपना डॉक्यूमेंट दोस्तों अपलोड कर दीजिएगा जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है। अभी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारा डिटेल्स दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट सब दोस्तों यहाँ से आपको प्रिंट निकालना है, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है दोस्तों। पेमेंट करने के बाद ये दोस्तों आपको यहाँ से आपको जो है फॉर्म, पासपोर्ट एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह सब कुछ भर लिया है, और दोस्तों हम लोग अभी जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट आउट भी निकाल चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जो है कैरी करना है, जो भी आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, जो भी टाइम होगा वहां पे दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस में आधे घंटे पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आधे घंटे पहले जाके दोस्तों आपको अपना टोकन नंबर दिखाना पड़ेगा, और आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो सब प्रिपेयर करके वो स्कैनिंग में जाएगा, और वहां पे वेरिफिकेशन पर्पस के लिए वो लोग चेक करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है आधे घंटे पहले वहां पे पहुंच जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर कैरी करें, जो भी चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, या दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ है जो आपने पोर्टल में अपलोड किया है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो आपको सब कुछ दोस्तों रेडी करके पूरा सेट बना के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके वहां पे वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप वहां पे जाएंगे तो दोस्तों जो भी वहां का पासपोर्ट ऑफिसर रहेगा दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, आपके डिटेल्स जो जो आपने भरा हुआ है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालने के बाद सिस्टम में सारा डिटेल आ जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपका
आपका डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सब चेक करके वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपकी फाइल जो है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए दोस्तों आपके दिए हुए पते पे जो भी आपने लोकेशन चेक किया होगा दोस्तों आपने पुलिस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका जो भी एड्रेस पे जो आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपने चेक किया होगा तो दोस्तों वहां से दोस्तों आपके घर पे एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो है दोस्तों आपके नाम पे कोई जो है कोई इलीगल जो है केसेस तो नहीं चल रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आपको कोई आपके नाम पे कोई केस तो नहीं है, ये सारे डिटेल दोस्तों पुलिस का काम है सारा डिटेल्स जो है वेरीफाई करके एक जो है एक रिपोर्ट तैयार करके दोस्तों पासपोर्ट ऑफिसर को दोस्तों अप्लाई करना पड़ेगा, उनको पासपोर्ट ऑफिसर को उनको डेटा जो है अपलोड करना पड़ेगा आपके पूरे जो है जीवनी के बारे में कि आपने आपका जो आपके नाम पे कोई केस नहीं चल रहा है आपका सब कुछ ओके है। तो दोस्तों वो रिपोर्ट लगाकर भेजेंगे तो बाकी जब जैसे ये पुलिस वेरिफिकेशन डन होगा तो दोस्तों वो जो है आपका पासपोर्ट जो है दोस्तों प्रिंटिंग के लिए जाएगा। प्रिंटिंग आपका दोस्तों एक हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद आपको आपके दिए हुए पते पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के जरिए दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके दिए हुए एड्रेस पे दोस्तों आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट होने में एक महीने का टाइम लग सकता है, तो दोस्तों बहुत ये मैक्सिमम टाइम है, पहले क्या होता था दोस्तों 5-6 महीने लग जाता था बट अभी आपका पासपोर्ट कभी कभी दोस्तों 15 दिन में भी आ जाता है, डिपेंड करता है पुलिस वेरिफिकेशन का। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपका प्रिंटर पासपोर्ट दोस्तों प्रिंट वेरिफिकेशन पे जाएगा, प्रिंट होने के बाद दोस्तों आपको हफ्ते भर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब पूरा प्रोसेस मैक्सिमम एक महीने का टाइम है लेकिन आपको एक महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपकी काफी मदद की होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।